एक्टिंग तो बहुत से लोग ऐसे मेरे पहचान के हैं जो NSD पास आउट हैं, FTI पास आउट हैं, काम ही नहीं आज के टाइम पे, काम तक नहीं है उनके पास। तो एक प्रोडक्शन हाउस से आप ब्लैक लिस्टेड हुए, वो 10 जगह आपका नाम खराब करेगा। अरे उसको मत रखना, अरे मैंने कास्ट करवाया था उस लड़के को, यार उसको मत भेजना कहीं शूटिंग पे। वन डे टू डे की बड़ी बात नहीं है, पहले अपना एक लेवल बनाओ कि किस लिए मुंबई आए हो, बड़ा करने आए हो, छोटा करने आए हो, कि एकदम क्राउड में के लिए आए हो, किस लिए आप आए हो, तभी बन पाओगे आगे। एक्टिंग तो बहुत से लोग ऐसे मेरे पहचान के हैं जो NSD पास आउट हैं, FTI पास आउट हैं, काम ही नहीं आज के टाइम पे, काम तक नहीं है उनके पास। सोच लो, जबकि NSD 3 साल कोर्स कर रखा उन्होंने, ठीक है, आज काम नहीं है उनके पास। मैसेज आते हैं, भाई कुछ काम स्टार्ट हो रहा है तेरा, कुछ ये हो रहा है, कुछ वो हो रहा है, भाई बता, कुछ काम नहीं चल रहा है। वजह सिर्फ यही है कि उन्होंने क्या किया, उनको एक्टिंग तो आती है बट एक्टिंग के साथ वो अपना रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपका रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाओगे तो काम भी नहीं मिलेगा। अपने आप को, आप कितना भी बड़ा काम कर लो, छोटा काम कर लो, लोगों के साथ रिलेशन मेंटेन करके रखो। कोई भी आपका, चाहे रूममेट हो, चाहे दोस्त हो, यार हो, ये मत सोचो कि मैं तो इससे अच्छी एक्टिंग करता हूँ, इसको क्या भाव दूँ मैं, जो भी है सबसे मिलजुल के रहो। क्या पता कल को वो बहुत बड़ा डायरेक्टर बन जाए, कहता आप कुछ ना बन पाओ, वो बहुत बड़ा एक्टर बन जाए, लेकिन आपका रिलेशन अच्छा रहेगा तभी तो आप उससे बात कर पाओगे, भाई कुछ मेरे लिए भी देखना यार, मैं तो एक्टिंग अच्छी करता हूँ तेरे को पता ही है यार, तो वो आपके लिए 4 जगह बात करेगा, क्योंकि उसको पता है यार इसका रिलेशन अच्छा है, ये अच्छे से मेरे साथ रहा था और ये सच में कुछ करना चाहता है। वही आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी होगी लेकिन आपका रिलेशन अच्छा नहीं होगा। आप अच्छी एक्टिंग करते भी हो, वो तब भी आपको कहीं नंबर, आपका नंबर नहीं देगा, उसको पता है यार कहीं जाएगा तो मेरा ही नाम खराब करेगा। तो इस वजह से भी बहुत से लोग रुक जाते हैं। कुछ लोगों को काम मिल भी जाता है तो वो जाके शूटिंग पे अपना एटीट्यूड दिखाते हैं, अरे वैनिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तमाम नखरे दिखाते हैं। उस दिन तो झेल लेगा आपको प्रोडक्शन हाउस वाला, लेकिन उसके बाद आपको दोबारा नहीं बुलाएगा वो प्रोडक्शन हाउस। तो एक प्रोडक्शन हाउस से आप ब्लैक लिस्टेड हुए, वो 10 जगह आपका नाम खराब करेगा। अरे उसको मत रखना, अरे मैंने कास्ट करवाया था उस लड़के को, यार उसको मत भेजना कहीं शूटिंग पे, मेरे को प्रोडक्शन से बहुत बात सुननी पड़ी। तो वो कास्टिंग वाला ब्लॉक मारना स्टार्ट करेगा, उनका ग्रुप होता है, डाल देगा भाई ये लड़का है ब्लॉक लिस्टेड है, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, आप जहाँ जाओगे आपकी फ़ोटो पहले पहुँच चुकी होगी उनके ग्रुप में। वो खुद ही बोल देंगे यार इसको नहीं कास्ट करना, ये ब्लैक लिस्टेड है, शूटिंग में बहुत नखड़े करता है, इसको मत लो। बहुत मजबूरी रहेगी तो आपको कहीं ना कहीं मैनेज कर लेंगे वो लोग, नहीं तो बहुत लोग अवॉइड कर देते हैं। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है। आपको अपनी मार्केटिंग खुद से करनी है, आपको अपने आप को खुद मार्केट में बेचना है। उसके लिए आपको 10 जगह कॉन्टैक्ट करने पड़ेंगे। जैसे अभी आप हमें जानते हैं, ठीक है, हम एक जरिए हैं आपको यहाँ तक लाने का मुंबई में। आप मुंबई आ गए हैं, अब मुंबई आप आ चुके हैं, अब स्ट्रगल तो अब चालू होता है। सबसे बड़ा स्ट्रगल तो ये होता है कि आप मुंबई आना कि आपका 80% स्ट्रगल ख़त्म हो गया, अब 20% स्ट्रगल बाकी है आपका, क्योंकि आधे ज़्यादा लोग मुंबई तक ही नहीं पहुँच पाते हैं। स्ट्रगल तो बाद में करेंगे। तो अगर आप मुंबई में बोलते हैं, भाई अगर मुंबई में रोटी कपड़ा मकान मिल गया बहुत बड़ी बात है, तो अगर आपको वो सब चीज़ें मिल रही हैं और तब भी आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको खुद समझना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ। आपको यकीन नहीं होगा, आप जाइए सुबह उठिए या रात को जाइए 11-12 बजे अंधेरी स्टेशन पे, वहाँ आपको कम से कम 15-20 एक्टर ऐसे मिलेंगे जो वहीं पे सो रहे होंगे और नीचे सुलभ शौचालय है, वहाँ जाके नहाते धोते हैं, कपड़े पहनते हैं, फिर ऑडिशन लाइन में जाते हैं, फिर रात को आके वहीं सोते हैं। और एक दिन से नहीं, बहुत दिन से कर रहे हैं। बहुत लोग मिलेंगे आपको, गोरेगांव पे जाइए वहाँ मिलेंगे आपको, तो उनसे तो आप ठीक हो ना। तो मेन रहने की बहुत बड़ी दिक्कत मुंबई में। अगर रहने का आपको मिल जा रहा है मुंबई में चीज़ें, आपका कोई रिलेटिव भी रहता होगा, पूछिए कि भाई मेरे को आपके यहाँ के रहना 10 दिन, फ़ोन उठाना बंद कर देगा आपका। मुंबई में इतनी दिक्कत है रहने की। तो अगर आपको मौका मिला है रहने का, चीज़ें करने का, ठीक करने का, तो वो आपको प्लानिंग करनी है।